समय समय को संकर बेचे पोचड़ी तो गिर जा बेचे बेर एक दिना शिव से अरज कर रही है शिव नार और मिल आऊंगी भेज दे मुकुपी हर में भरदार। हाँ प्रिय सजनों, बहुत ही पुराने जमाने की बात है, एक रोज कैलाश में पार्वती जी शंकर भगवान से कहने लगी कि हे महाराज, मैं पीहर में जाऊंगी, मुझे पीहर में भेज दो। तो बार बार पार्वती शंकर भगवान से किस प्रकार से कह रही है, अरे जाऊंगी पीहर भेज दे बाबूगी Yeah।
मिलकर कल ही आ जाऊंगी, लेकिन आप मुझे पीहर भेज दीजिए। शंकर भगवान कहने लगे कि हे पार्वती सुनो, आना जाना वक्त वक्त का होता है, इसलिए मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं कि मैं इस समय तुझे नहीं भेजना चाहता हूं, इसलिए इस समय तू पीहर तो मत जाए। शिव जी की मानी नहीं रे कोई गई पीहर तत्काल, और सजना यदि आगे सुनो रे कोई शिव शंकर के हारे ढोलारे जाओ पीहर के माना
कि पार्वती से कोई छल करना चाहिए। ऐसा विचार करके शंकर भगवान ने क्या किया कि सुंदर सुंदर मोचड़ी ली, यानी रतन जड़ाऊ चपले ली और मोची का भेष बनाकर पार्वती के देश हिमाचल राजा के द्वार पर जाकर पहुंच गए और किस प्रकार से आवाज लगा रहे हैं। आजी तो हिमाचल के द्वार पे और हिला दे त्रिपुरा और मो पे सुंदर मो चढ़ी तो पैरों सावल नारे तो पैरों सावल नार टेरिया सुन सकी सटे पी आई और पार्वती के बाला गिरिन को मोल बता दे कानी। अरे अरे मोची का थारी मोचड़ी वो मोची का थारी मोचड़ी ही आने मारे पूछेगी इनको मोल बता पैरों के मारे जाचेगी मोची का थारी
तो पार्वती मोची से किस प्रकार से कह रही है, ए सुंदर थारी मोछड़ी रे कोई सुंदर इनकर डोले, अरे सुंदर थारी मोछड़ी रे कोई सुंदर इनको डोले, अरे काई इनको मोल गैर कोई भेद सटे तो खोले, मोची का थारी मोछड़ी
शंकर भगवान बोले कि हे सखियो, इनका कोई भी मोल नहीं है। मैं आपको बताती हूं, इनका मोल यही है कि जो ये मोचड़ी पहनेगी वही मेरे साथ में चलेगी। ऐसी बात को सुनकर सखी कोई कोई हंसने लगी और कोई कोई नाराज हो गई। लेकिन क्या होता है कि पार्वती के मन में ये इच्छा हो गई कि मैं चाहे मोची के ही साथ में जाऊं लेकिन ये मोचड़ी जरूर पहनूंगी। क्योंकि क्या कारण था सजनों, साक्षात शंकर भगवान मोची बनकर गया था। उस परमात्मा की माया को कौन पहचान सकता है। पार्वती की बुद्धि को भंग कर दी और पार्वती कहने लगी मन में कि मैं पहनूंगी और मोची के साथ जाऊंगी। हारे फेरी सिर की मोचड़ी रे पड़ी गिर जा हुई निशंक। अरे फेरी सिर की मोचड़ी रे पड़ी गिर जा हुई निशंक। पर चोरी छाने से बहिर बबा मोची के संग मोची ना जाए। वाजिब दाम सबकी जुबान पर एक ही नाम टेक्सन टेक्सन टेक्सन। राजस्थान के अधिकृत विक्रेता ऑडियो किंग 162 नेहरू बाजार जयपुर। हमारे यहाँ सभी ओरिजिनल प्री रिकॉर्डेड कैसेट उपलब्ध हैं। उच्च क्वालिटी वाजिब दाम सबकी जुबान पर एक ही नाम टेक्सन टेक्सन टेक्सन। राजस्थान के अधिकृत विक्रेता ऑडियो किंग 162 नेहरू बाजार जयपुर। हमारे यहाँ सभी ओरिजिनल प्री रिकॉर्डेड कैसेट उपलब्ध हैं। मोचड़ी पहन ली
और मोची के साथ आ गई। अब शंकर भगवान विचार करने लगे कि अब पार्वती को अपना रूप दिखाना चाहिए। गिरजा से की नौ कपट कोई कपटी रे भेष बनाए, और पार्वती शिव जी गए तो अब प्यारे पान में आए। मोची आए
बिठा दिया पार्वती शंकर भगवान के रूप को देखकर विकल हो गई और कहने लगी कि हे महाराज आपने मेरे साथ में बड़ा धोखा किया है। शंकर भगवान कहने लगे कि हे पार्वती तुमने बड़ा ही अन्याय कर दिया, आपको सारा संसार सती बोलते हैं और तुम इन मोतड़ियों की लालच में आकर मोची के साथ में आ गई, ये आपने बड़ा अन्याय किया है। अरे मोची के संग आय कर कोई दीन रे बात बिगाड़े, अरे मोची के संग में आय के तो कोई दीन रे बात बिगाड़े, अरे लाज शर्म तेरे नहीं रे तू सती बताई नारे मोची बताए अपनो रूप दिखाई के शिव हो गया अंतर ध्यान, पार्वती बन में खड़ी तो बिगड़ रही है शान, खड़ी विपन में गवर जा, खड़ी विपन में गवर जा कर रही सोच विचार, अरे जब तक शिव को ना छलूं
मेरी नहीं जीवा में सार। पार्वती मन में विचार करने लगी कि इसी प्रकार से मैं शंकर भगवान को नहीं चलूं जब तक मुझे जीना धिक्कार है। तो प्यारे सजनों, गवर्जा ने कैसा विचार किया जरा सुनिए ध्यान देकर। अरे वो भवानी बन गई भीलनी, भवानी बन गई भीलनी, सोची है मन में काहीं रे, जाकर कैलासन में अजब लगाई रे। भवानी बन गई भीलनी, सोची है मन में काहीं रे, जाकर कैलासन में अजब लगाई रे। भवानी बन गई भीलनी, सोची है मन में काहीं रे, जाकर कैलासन में अजब लगाई रे। असल में ऐसे तेड़ लगाई ओ बाबा ने, अरे बड़ी गबर जा भीलनी रे, कोई करी न पलकी दे रे, अरे बड़ी गबर जा भीलनी रे, कोई करी न पलकी दे रे, पर घरी छाबड़ी मुंड पे जब खट्टा मीठा बेर। भवानी बन गई भीलनी, सोची है मन में काहीं रे, जाकर कैलासन में ऐसे तेड़ लगाई रे। भवानी बन गई होता है कि पार्वती ने शर्मंदी होकर मन में विचार किया और क्या किया कि सुंदर भीलनी का भेष बनाया और सिर पर खट्टे मीठों की बेरों की छावड़ी रखकर और भवानी बेर बेचती हुई चल देती है। भवानी बन गई भीलनी, सोची है मन में काहीं रे, जाकर कैलासन में ऐसे तेड़ लगाई रे। भवानी कोई करी न पलकी दे रे, अरे बड़ी गबर जा भीलनी रे, कोई करी न पलकी दे रे, और धरी छबड़िया मुंड पे जब खट्टा मीठा बेर। भवानी बन गई भीलनी, सोची मन में काहीं रे, जाकर कैलासन में ऐसे तेड़ लगाई रे। भवानी छाबड़ी रे नूहे ला देती डोले, खट्टा मीठा बेर लोर कोई मीठी मीठी बोले। वो भवानी बन गई भीलनी, सोची है मन में काहीं रे, जाकर कैलासन में ऐसे तेड़ लगाई रे। भवानी Thank you.
मीर कोई हेला देती डोले डोले अरे धरी मुंड पे खाबड़ी रे कोई हेला देती डोले खट्टा मीठा बेल लोर नू मीठी मीठी बोले वो बाबा नी भर गए तेलरे सोचे रे मन में पाई रे जाकर के लाग में रे दे मेरा भाई वो बाबा नी सोले सिंगारे कैलासन में गई भीलनी कर सोले सिंगारे और रूप भीलनी को लगो नू शिव जी करे बिचारे बाबा ने बन गए तेरे खोजे रे मन में पाई रे जाकर कैलासन में ऐसे तीर लगाए वो बाबा ने तू चाल हमारे साथ बाबा नी बन गए भीलनी
पार्वती ने देखो शिव को अपना रूप दिखाया, भवानी बन गए।